हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टमाटर की चटपटी टेस्टी चटनी, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर कभी मूड ना हो सब्ज़ी बनाने का तो आप ये चटनी ज़रूर ट्राई कीजिए, ये सब्ज़ी की कमी को पूरा कर सकता है। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने लिया है 15 से 20 कली लहसुन का लिया है, हरी धनिए की पत्तियाँ ली है बारीक काट कर, और एक मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया है बारीक काट कर वो भी, और 5 हरी मिर्च लिया है बारीक काट कर, और 2 स्पून मैंने राई का तेल लिया है, जो ऐसे ही यूज़ करना है गाइस। 3 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, और हमेशा इसको पका ही यूज़ करेंगे, कच्चा नहीं पका ही यूज़ करेंगे चटनी के लिए। अभी हम इसको एक गैस पे जाली रख के इस पर रख दिया है मैंने पकने के लिए। बीच बीच में ऐसे चलाते रहना ताकि आगे पीछे सब जगह हो जाए अच्छे से। हमारा हो गया तो हमने एक प्लेट में निकाल लिया और ठंडा भी हो गया, तो हम इसकी जो छिलके हैं तो उसको निकाल लेते हैं। ये देखिए पूरा क्लीन करना है गाइस। अभी क्लीन हो गया तो हम इसको पानी डालकर थोड़ा वॉश कर लेते हैं ताकि इसको जो भी पतले छिलके हैं सब निकल जाए अच्छे से, और इसको हम निकाल लेते हैं। अभी हमने एक बाउल लेके इसको बारीक पीसना है, मैंने ग्राइंडर से पीसा है। अगर आपके पास ग्राइंडर ना हो तो आप मिक्सर में भी पीस सकते हैं। अभी हम इसको मिला लेते हैं गैस कि देखिए पूरा हो गया कि हमारा बारीक हो गया पूरी तरह से। अभी हम इसमें प्याज डालेंगे, लहसुन, हरी धनिया, राई का तेल, हरी मिर्च, मिर्च अपने अकॉर्डिंग ही यूज़ करना, पर चटपटा अच्छा ही लगता है। अभी स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। हमारा हो गया ये चटनी तैयार पूरी तरह से। अभी हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं सर्विंग के लिए। ये देखिए गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको दाल चपाती और चटनी के साथ एंजॉय कीजिए, और अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।